सिंह जी के बारे में आप सुनना चाहती हैं, खेसारी लाल यादव जी के बारे में सुनना चाहती हैं, सड़क छाप गवैये हैं ये बहुत ही छिछोरे और ओछे और लुच्चे लोग हैं, यही हैं भोजपुरी की बोटियाँ बेचने वाले लोग। भोजपुरी की बोटी बेच करके महंगी गाड़ी और महंगा जो है बंगले बनाने वाले लोग हैं ये। भोजपुरी को माई माई बोल करके माई को सरेआम बीच बाजार लहंगा और चोली नोचने वाले ये लोग हैं। सड़क छाप गवैये हैं ये, पर इनकी फैन फॉलोइंग तो बहुत है। एक और बात इसमें मैं ऐड कर दूं, तरीके से तो पूर्वांचल के लोगों को चौराहे पे चार चार जूता मारना चाहिए ऐसे लोगों को अश्लीलता फैलाने के। जो इस जाहिल औरत की दोस्तों हिम्मत तो देखो, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जो कि भोजपुरी के इतने बड़े नाम हैं, इतने बड़े चेहरा हैं, एक हस्ती है महाराज भोजपुरी के, उनको ये बीच चौराहे पे चार चप्पल मारने की बात कर रही है। ये दो कौड़ी की औरत पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को चौराहे पे खड़ा करके चार जूता मारने की बात कर रही है, क्योंकि इसको उन लोगों के गानों के अंदर अश्लीलता दिखता है। इस जाहिल औरत को ये नहीं पता कि वही पवन वही खेसारी, अभी दो दिन पहले खेसारी भैया का बर्थडे था, कितने अनाथ आश्रम में जाके उन्होंने डोनेशन किया, वृद्ध महिलाओं को खाना खिलाया, विकलांगों को साइकिल दी, साड़ियाँ बांटी, वो नहीं दिखता है, इसको केवल अश्लीलता दिखता है, जबकि इसका खुद हर जगह किसी ना किसी से विवाद होता रहता है। दोस्तों इतनी जाहिल औरत ये, इसके खुद के किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे आप जाइएगा, इसका कमेंट सेशन गालियों से भरा पड़ा रहता है, लेकिन नहीं, इसको तो आदत पड़ गई है दोस्तों, कंट्रोवर्सी में आना है, खुद का चेहरा चमकाना है। दोस्तों क्या बोलें इसको, खुद को मालनी अवस्थी समझ रही है, तरह के खड़ा कर जाए ना चौराहा पे, चाटे कुकरों ना पूछी। दोस्तों गलती कहीं ना कहीं हमारे स्टारों की भी है, अपना अच्छा खासा प्रोफेशन छोड़ के इन लोगों को पॉलिटिक्स में जाना है। भाई पॉलिटिक्स में जाना है तो उससे पहले कुछ अच्छा गा लो, ऐसा नहीं है कि ये लोग गंदा ही गाते हैं, लेकिन इनकी कई सारे गाने हैं बंगलिनिया छिनरिनिया पे गा गा के ये लोग गंदे गाने गाते हैं, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं लड़कियों को, उसके बाद वही गाने उठा उठा के इनको संसद में दिखाया जाता है, बदनाम किया जाता है। तो ये चीज़ सीखना चाहिए इन लोगों को कि अगर आपको सांसद बनना है, पॉलिटिक्स में जानना है, तो कम से कम अपने आदत सुधार लीजिए, ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना आए, आप लोग अपना इमेज क्लियर कर लीजिए। लेकिन नहीं, ये लोग भी लगे पड़े हैं वही उल्टा सीधा गाने में, और ये तो जाहिल औरत, इसका काम ही है सबसे भिड़ना, सबसे उल्टे सीधे बातें करना, सबके बारे में कुछ बोलती है महाराज, ये बहुत, क्या बोलें इसके बारे में, उल्टा ही निकल रहा है, लेकिन नहीं बोलेंगे। मतलब बताइए, जिसको पूरा देश प्यार करता है, जिसको सरस्वती पुत्र कहा जाता है, उसको ये चार जूता मारने की बात कर रही है, मरवाए चार जूता तुमको, हाँ मैंने जिभला में बात है कुछ बोल दे पुतू, भाई बड़ उबड़ का तो ही शारदा सिन्हा, तानसेन का नानी बनबू, कुछ बोलती है महाराज, कुछ बोलती है, ये किसी को भी कुछ बोल देगी, गाली देने चलिए, चार जूता मारने चलिए, खुद का तो औकात कुछ है नहीं,